अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के बाद ये पहली दिवाली है और ये पहली बार है जब दिवाली के मौके पर भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ये भारत की संस्कृति की और हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी जीत है और हम आज के दिन ये कामना करते हैं कि आप सब तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत की संस्कृति और अपने धर्म के रास्ते पर ऐसे ही सत्य और निष्ठा के साथ चलते रहें। पिछले कुछ दशकों में भारत की संस्कृति और सनातन धर्म को कमजोर करने की बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन ये दीपावली साबित करती है कि अगर भगवान राम के भक्त पूरी निष्ठा के साथ, एकता के साथ अपने धर्म के रास्ते पर ऐसे ही चलते रहेंगे तो आने वाले सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक दिवाली का यह प्रकाश कभी कम नहीं होगा। आज स्पेशल दिवाली एडिशन में हम आपको रामायण में भगवान श्री राम की कथा के वो अध्याय दिखाएंगे जो आज भी आपके जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक हो सकते हैं। इसके साथ ही हम उन राम भक्तों को भी याद करेंगे जिन्होंने इस भव्य राम मंदिर के सपने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज आपको अयोध्या में मन रही भव्य दिवाली की वो शानदार तस्वीरें भी दिखाएंगे जो आपके मन को राम भक्ति के आनंद से भर देंगी। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि आज जब 500 वर्षों के वनवास के बाद भगवान श्री राम ने अपनी पहली दिवाली अयोध्या के भव्य राम मंदिर में मनाई तो कैसे ये पल पूरे भारत का पल बन गया। दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। आज हम आपको उन गुमनाम नायकों के बारे में भी बताना चाहते हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन इन वीर बलिदानियों को हमारे देश में कभी वो सम्मान नहीं मिला और इन्हें कट्टर हिंदू बताकर हमेशा भारत में मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति होती चली गई। इन नायकों में कोलकाता के कोठारी बंधु भी थे जिन्हें 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसलिए गोलियों से भून दिया था क्योंकि ये दोनों कार सेवक थे और यह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तक एक पैदल यात्रा निकाल रहे थे। उस समय अयोध्या में काफी तनाव था और अयोध्या में राम मंदिर की मांग को लेकर सैकड़ों कार सेवक आंदोलन कर रहे थे और इन्हीं कार सेवकों में दो भाई कलकत्ता से आए थे जिनमें एक भाई का नाम था शरद कोठारी और दूसरे का नाम था राम कुमार कोठारी। इन कोठारी बंधुओं ने ही अयोध्या में कार सेवा यात्रा के दौरान 30 अक्टूबर 1990 को बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया था और इसके बाद जब 2 नवंबर को अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से तमाम कार सेवक राम जन्मभूमि तक पैदल यात्रा निकाल रहे थे तब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए और पुलिस की इस गोलीबारी में सिर्फ 2 नवंबर को ही एक दिन में ही 15 से ज्यादा कार सेवकों की जान चली गई जिनमें कलकत्ता के ये कोठारी बंधु भी
शामिल थे। इनमें शरद कोठारी उस समय सिर्फ 20 साल की उम्र में और उनके बड़े भाई रामकुमार कोठारी ने सिर्फ 23 साल की उम्र में इस भव्य राम मंदिर के सपने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और बाद में मुलायम सिंह ने खुद ये बात मानी कि उस दिन राम भक्तों पर गोलियां चलवाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कोठारी बंधुओं के साथ अयोध्या के वासुदेव गुप्ता भी राम मंदिर के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों में से एक थे और उस दिन पुलिस की सबसे पहली गोली उन्हीं को लगी थी। 45 वर्ष के वासुदेव गुप्ता की अयोध्या में मिठाई और चाय की एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन वर्ष 1990 में जब राम मंदिर के लिए कार सेवा शुरू हुई तब वासुदेव गुप्ता ने भी यह तय किया कि वो भगवान राम के मंदिर के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देंगे। और बाद में हुआ भी यही। राम भक्त राजेंद्र धरकार ने भी सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज इन सभी कार सेवकों के घरों से हम आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं ताकि आप इन कार सेवकों की कुर्बानी को हमेशा के लिए याद रखें। कार सेवा के लिए जाने की बुलावा आया तब क्या परिवार राजी हुआ उनको छोड़ने में? 20 और 23 साल के थे महज। मैंने अगर परिवार में कहूं तो सबसे पहले तो पिताजी की बात आती है और पिताजी और भैया में एक कन्वर्सेशन हुआ था। उन्होंने ये बात पूछी भैया से कि भाई हम तो मारवाड़ी फैमिली से हैं तो हम धन से भी मदद कर सकते हैं, क्या जरूरी है कि हम वहां जाएं? तो बड़े भैया ने बहुत उस बात पर पिताजी को बहुत स्ट्रांगली कहा कि पिताजी ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, हमें कार्य को करने के लिए तन मन धन तीनों से लगना चाहिए जी। तो उससे पहले जब संगठन में बातचीत हो रही थी कि भाई हर घर से सिर्फ एक ही जन जाएगा तो बड़े वाले को बोला गया तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम रुक जाओ। तो उसने संगठन के जितने अधिकारी थे उनको बोल दिया कि राम के काज में राम तो जाएगा ही, मैं तो नहीं रुकूंगा, आप छोटे को रोक लीजिए। छोटे को बोला गया कि शरद तुम रुक जाओ, तो बोले जहां राम जाएगा वहां लखन जाएगा। और इस तरीके से वो दोनों ही नहीं माने और संगठन भी उनको कुछ भी रोकने तो में कामयाब। जिस दिन वो लोग जाने वाले थे हावड़ा स्टेशन से तब आपके माता जी ने क्या कहा? पर माँ ने फिर भी उनको मंगल तिलक किया, उनको तिलक करके और घर से अपने जो रिचुअल्स होते हैं वो करके ही उन्हें विदा किया कि आप जा रहे हो जिस कार्य के लिए, आप उस कार्य को करके आओ, आप उसके लिए विजयी होके आओ। सीमा, आपसे बेहतर शायद वासुदेव जी का संघर्ष कोई नहीं जानता होगा। क्या हुआ था पहले कार सेवक जिनको गोली लगी, क्या हुआ था उस दौर में, क्या कहानियां सुनी आपने बचपन से? जी उस वक्त मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी, 7 ईयर की थी, बहुत ज्यादा याद नहीं है, लेकिन जितना भी याद है उसमें अदवाड़ी जी ने आह्वान कर रखा था सोमनाथ गुजरात से अयोध्या तक के रथ यात्रा के लिए, और मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अयोध्या पहरा इतना सख्त था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो बाहर से लोग गिरफ्तारियां देने आ रहे थे और मेरे पापा मिठाई की दुकान चलाते थे, तो लोग कहते थे कि यहाँ के लोग तो कमाई कर रहे हैं, बाहर से लोग मरने आ रहे हैं। मेरे पापा को ये बात इतनी लगी कि वो खुद तैयार हो गए कार सेवा करने के लिए, अपने साथ जत्था भी तैयार किए कार सेवा करने के लिए। तो दिन निर्धारित हुआ 30 अक्टूबर 1990 का। उस दिन प्रथम देवोत्थानी एकादशी थी, पापा लोग परिक्रमा, उस दिन अयोध्या में परिक्रमा होता है, परिक्रमा करने के लिए गए, वहाँ उनको रोक दिया गया। फिर उन्होंने कहा फिर हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, तो गिरफ्तारियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि कोई भी जेल खाली नहीं था गिरफ्तार करने के लिए। उस वक्त उन लोग दर्शन की मांग करते हुए मंदिर की तरफ जाने लगे हुए जहाँ पहरा सख्त था, लेकिन सारे बैरिकेटिंग्स पार करते हुए और छोटे छोटे रास्तों से होते हुए पापा का जत्था मतलब मंदिर तक पहुँचा और दर्शन भी किए, झंडा वंडा फहरा कर वापस आते समय एकाएक फायरिंग शुरू हो गई, पापा को सबसे पहले गोली लगी। उसके बाद आपके परिवार ने क्या किया? उसके बाद
चारों तरफ गोलियों की आवाज आने लगी और मम्मी को पता चला कि पापा को गोली लग चुकी है। मम्मी जाने लगी उस रास्ते पर, फिर हनुमानगढ़ी की तरफ से लोग पापा के डेड बॉडी को लेकर आ रहे थे उधर से, और घर पे आए तो मतलब काफी लोग, उस समय आक्रोशित जनता थी, बहुत सारी गोलियां चली हुई थी, चारों तरफ लाशें ही लाशें दिख रही थी। तो वो क्षण तो नहीं भूल सकते हैं, वो क्षण हमेशा याद रहा, खून से सना हुआ डेड बॉडी, पापा के मतलब लहू खाट से छनकर गिर रहे थे। गोलियां लगी थी उनको, तीन गोलियां, एक गोलियां पेट में लगने के बाद भी पापा मतलब दूसरे को बचाने के उसमें झुके हुए थे, तो दो गोलियां और आकर लगी कमर में। क्या हुआ था उस दिन जब वो घर से निकले, क्या कहे के? घर से निकले, सब बच्चे गए, अपनों गए, तो सब बच्चे चले आए, तो वो कहे कि नहीं हम जा रहे हैं जन्मभूमि पर। अब वह जब वहाँ झंडा फहराते सब एकदम ऊपर चले गए, अब उनका पिता होता सब मिना गया, नहीं माने, कहे नहीं हम जन्मभूमि में अपना प्राण दे, जो आशुगज चला बस उसी में झंडा फहराते में और खत्म हो गए, दो गोली लगा और खत्म हो गए। उसके बाद में पुलिस वाले सब तारीन लेकिन नीचे आए ना, वो कोई भाई श्री राम पर आवत आवत खत्म हो गए। आप लोगों ने वहीं पे देखा आखिरी बार? आप लोग खुद सामने देख कर गए हाँ कि हमारा 16 साल का लड़का पहला लड़का रहा, अब जिसके चला जाएगा तो नहीं देखेगा, बताइए आप। अब उससे बाद उनके छोटे भाई 8 साल का रही, तो मतलब उनके हटा दें कि भाई तुम जाओ घर, अपना चला गए अकेले रविंदर, तब 8 साल का रही। ओकर बाद कहाँ गोली लगी थी उनके? यहाँ सर पर लगा रहा, एक पैर में लगा रहा। अच्छा, दो गोली मारी? दो गोली मारी गई हाँ, तब खत्म भाई। कहाँ? एक सर पे थी। कहाँ? वो मंदिर पे झंडा फहरा जी हाँ, फहरा लिया हाँ, फहराते हुए मारे भाई, फहराते में। अच्छा, उतरते समय मारा गया है गोली, पहले आशुगैस फेंका गया, फिर जब यहाँ पे गोली लगी, जब यहाँ पे ठेने में गोली लगी तो चल तब भी उतर रहे थे, जब दिमाग में लगा गोली तो तब वो नहीं। हमारे साथ गायत्री जी हैं, उनकी पत्नी हैं। कितनी कष्ट हुआ, कब क्या हुआ उस दिन 2 नवंबर को, क्या हुआ था? अगर खड़ी 2 नवंबर पे गए थे जन्मभूमि, तो मतलब पता लगा कि 10 बजे गोली लग गई यहाँ पे। अच्छा। तब हमको मालूम हुआ, सब बताए मोहल्ला वाले सब बताए, तो फिर मतलब बच्चे तो उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, बहुत छोटे रहे। कितने बड़े बच्चे थे? बड़े वाला 8 साल का रहा, 8 साल में 3 लड़के और रहे हैं, 2 लड़की है और 2 लड़के। इतने दिनों तक अकेले इन 4 बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल का दौर रहा होगा, वो बहुत मुश्किल से चला होगा? बहुत मुश्किल से चला है, पढ़ाओ लिखाओ सब लड़कन का, जो मुलायम गोली चलवाए थे तब भी सब मार आफत मचाए रहे हैं, तभी लड़के छोटे रहे हैं, वही गया है आज राम के लिए, सब कुछ चला गया। हाँ, राम के लिए। यही से इधर से चढ़ के सब लोग गए थे, इधर से पुलिस वाले रोक रहे थे। हाँ। तो सब लोग 8-10-15 लोग जितने यहाँ के कच्चा पूरे वहाँ लगे, सब चढ़ के गए, फिर उधर जब मंदिर की तरफ बढ़ते चले गए तो बीच में वहाँ शहीद गली कहलाता, तो वहाँ पे जो है तो गोली चले लगी, तो उनके जैसे कुछ लोग को दिखाई पड़ते, उनको इनके सर पे गोली मार दी गई, तो जो साथ के लिए थे तो भागे, तो भागो के लिए मतलब कि भागे, ये भी भाग रहे थे लेकिन उनको भी लगी गोली, तो वही सब बताए थे। कितनी गोली लगी? एक गोली ही लगी थी सर। अच्छा। हाँ, एक गोली लगी थी, क्योंकि जो उनके साथ के थे उसमें थे, अब तो नहीं रह गए, ये सामने वाले रहते थे, सामने लोग भी गए थे, तो इस बार लोग बताते थे कि जब हम लोग वहाँ मंदिर तक पहुँच गए थे तो उस फायरिंग शुरू हो गई, तो हम लोग सीधा बता होने लगे, उसी में उनको एक गोली लग गई। वीरा जी, जिस तरीके से आपके पिताजी ने कार सेवक के रूप में प्राणों की आहुति दी थी, वो पूरा क्या था और उसमें आपकी उम्र क्या थी, क्या देखा क्या सुना आपने?
आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता नहीं है कि इतने साल 33 वर्ष बीत गए हैं उस बात को। जिस समय पिताजी यहाँ से जोधपुर से अयोध्या के लिए निकले थे, रास्ते में बहुत सारी मुसीबतों को पार करते हुए वो अयोध्या पहुँचे, उस सब का वर्णन उन्होंने एक पत्र में दिया जो हमें उनके जाने के करीब एक हफ्ते बाद या कुछ 10 दिन बाद हमें मिला। और वहाँ पर जब वो ये लोग बैठ के वो कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, इसके बावजूद वहाँ पे पहले तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद टारगेट किलिंग के अंतर्गत प्रोफेसर महेंद्रनाथ अरोड़ा को गोली मारी गई, जो कि बहुत ही शोचनीय और बहुत ही क्रूर लगता है मुझे। आज की तारीख में मैं सोचती हूँ इस बारे में तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि तत्कालीन सरकार ने या किसी ने भी उन लोगों के खिलाफ कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया कि उन लोगों ने इस तरह से गोलियां चलवा के और टारगेट किलिंग करके और प्रोफेसर अरोड़ा को गोली मारी गई। क्योंकि जब बाद में हम लोग वहां गए थे तो वहां पे जिनके घर में ये सारा हुआ था उन्होंने ये सारा वाक्य अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने सारा हमें बताया। तो ये सब बातें सोच के बहुत दुख होता है। उस समय किसी के भी शव वहां से नहीं लाने दे रहे थे। तो अंत में एक बार तो ऐसा हो गया था, बीच में ऐसा लगा था कि लाने नहीं देंगे, तो मम्मी भी एकदम हताश हो गई थी। मम्मी ने फिर बिल्कुल थक हार के हम सब ने ये बोल दिया था कि ठीक है हमें जाने दें या तो, पर हमें भी जाना वहाँ पे अलाउड नहीं था उस टाइम। तो उस टाइम ऐसी मतलब बहुत ही बुरी स्थिति थी उस समय का, तो मनस्थिति शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। रामायण और भगवान श्री राम से जुड़े ऐसे 5 प्रसंगों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं और इसके लिए आज के दिन से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम को 10, 12 या 15 वर्षों की जगह 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मिला था? तो इस 14 वर्ष के वनवास के पीछे की असली वजह क्या है? महर्षि वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि जब मंथरा की बातों से राजा दशरथ की तीसरी पत्नी केकई को ऐसा लगने लगा कि अगर भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन गए तो राजा भरत को कभी अयोध्या का राजपाट नहीं मिलेगा, तो केकई विचलित हो गई थी। केकई की इसी मनोदशा को देखते हुए मंथरा ने उन्हें यह बताया कि राजकीय नियम के अनुसार अगर कोई संपत्ति या राजपाट 14 वर्षों तक किसी व्यक्ति के पास रहे तो वो व्यक्ति उस संपत्ति और राजपाट का सदैव के लिए स्वामी हो जाता है। और इसी बात से केकई को यह लगा कि अगर उन्होंने राजा दशरथ से भगवान श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया तो इस दौरान उनके पुत्र भरत अयोध्या के राजा बन जाएंगे और अगर वो राजा बन गए तो भगवान राम अयोध्या पर अपने शासन के अधिकार को खो देंगे क्योंकि वो 14 वर्षों के वनवास के लिए बाहर होंगे और इसीलिए भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। यह भी कहा जाता है कि राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के साथ भगवान राम को अयोध्या नगरी का राजा बनाने का फैसला 14 दिनों में किया था और इस बात से नाराज केकई इन 14 दिनों को अपने लिए 14 वर्षों के समान मानती थी, जिसके कारण उन्होंने राजा दशरथ से यह वचन मांगा कि वो भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजे। बड़ी बात यह है कि केकई ने अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने के लिए भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा, लेकिन भरत अपने बड़े भाई राम से इतना अटूट प्रेम करते थे कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि अगर भगवान राम ने 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने के में एक क्षण की भी देरी की तो वो जलती चिता में कूद कर अपनी जान दे देंगे। क्या आप सोच सकते हैं भाई भाई का ऐसा प्यार क्या कहीं आपको आज देखने को मिलेगा? भरत भगवान राम के सगे भाई नहीं थे लेकिन फिर भी उनमें ऐसा अगाध प्रेम था। लेकिन सोचिए ऐसा प्रेम आजकल के भाइयों में क्या आपको देखने को मिलेगा? भगवान राम का सबसे उत्तम गुण यह था कि वो किसी में भी दोष नहीं देखते थे। जिन माता केकई की वजह से उन्हें राज्याभिषेक से ठीक पहले वनवास पर जाना पड़ा, 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटने पर भगवान राम सबसे पहले उन्हीं से जाकर मिले।
और भगवान राम की आंखों में उस क्षण उनके लिए सिर्फ करुणा थी और उन्हें इस बात की कोई पीड़ा नहीं थी कि उनकी वजह से भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा। आज कलयुग में जब लोग छोटी छोटी बातों पर अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन और दोस्त और रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, तब भगवान राम से यह सीखा जा सकता है कि जो आपका गलत करे, जो आपका गलत चाहे, जो आपका बुरा करे, उसे भी गले लगाना सबसे बड़ा धर्म है। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि भगवान राम के अयोध्या लौटने पर ऐसा क्या हुआ था कि हनुमान जी को अपना सीना चीर कर यह दिखाना पड़ा कि उनके हृदय में भगवान राम और सीता बसे हुए हैं। वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब भगवान राम और सीता द्वारा दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे, तभी विभीषण ने भी रत्नों से जड़ा एक हार सीता जी को भेंट किया और यह वही हार था जो समुद्र से रावण को भेंट के रूप में मिला था। सीता जी विभीषण को ना नहीं कह सकती थी, इसलिए उन्होंने इस बेशकीमती हार को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इस दौरान भगवान राम उनके मन की बात को जान गए। भगवान राम ने सीता से कहा कि वो दरबार में उपस्थित लोगों में से जिस किसी को भी इस हार के योग्य मानती हैं, उसे वो ये हार भेंट के रूप में दे सकती हैं। सीता जी ने कुछ क्षण इंतजार करने के बाद हनुमान जी की तरफ देखा और इसके बाद हनुमान जी को रत्नों से जड़ा ये हार उन्होंने उपहार में दे दिया और हनुमान जी ने भी बहुत ही विनम्रता पूर्वक इस हार को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके बाद वो इस हार को तोड़कर उसके एक एक मोती को अपने दांतों से चबाकर नीचे फेंकने लगे। इससे लक्ष्मण और विभीषण और दरबार में उपस्थित बाकी लोग बड़े हैरान हो गए और उन्हें यह लगा कि हनुमान जी ऐसा करके शायद भगवान श्री राम और सीता का अपमान कर रहे हैं, लेकिन जब हनुमान जी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो सिर्फ इसलिए इन मोतियों को तोड़कर देख रहे हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि क्या इन मोतियों में भगवान राम और सीता बसे हुए हैं, और जब उन्हें इन मोतियों में और इन मणियों में भगवान राम और सीता नहीं मिले तो उन्होंने रत्नों से जड़े इस हार को मात्र कंकड़ और पत्थर के समान मानते हुए इसका त्याग कर दिया। हालांकि दरबार में उपस्थित विभीषण और लक्ष्मण समेत कई प्रांतीय राजाओं को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि उनके शरीर पर भी तो कहीं भगवान राम और सीता नहीं है, तो फिर उन्होंने इस शरीर को क्यों धारण किया हुआ है। यानी उन्होंने भी एक नई चुनौती हनुमान जी के सामने रख दी और एक नई अग्नि परीक्षा लेनी चाहिए। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि वो इस बात को साबित कर सकते हैं कि जिस शरीर में वो वास करते हैं, यानी जिस शरीर में रहते हैं, उस शरीर में भगवान राम और सीता ही बसते हैं, और इसी के बाद उन्होंने अपना सीना चीर कर अपने हृदय में भगवान राम और सीता को दिखाया था। और इस दृश्य को देखने के बाद ही भगवान राम ने कहा था कि उनके पास हनुमान जी को देने के लिए कोई योग्य उपहार नहीं है, इसलिए वो स्वयं को ही भेंट के रूप में हनुमान जी को दे रहे हैं। आज कलयुग में जब सारे रिश्ते महंगे उपहारों से छोटे हो चुके हैं, हर रिश्ते में यह देखा जाता है कि आप अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को, अपने परिवार या अपने रिश्तेदारों को क्या उपहार देते हैं और वो उपहार कितना महंगा है, और उस उपहार के आधार पर यह तय होता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है, तब आप भगवान राम और हनुमान जी के इस रिश्ते से ये प्रेरणा ले सकते हैं कि असली प्रेम महंगे गिफ्ट्स, तोहफे और उपहारों से कभी साबित नहीं होता। असली प्रेम सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से पैदा होता है और यह प्रेम फिर सदैव के लिए जीवंत रहता है, जीवित रहता है। रामायण में यह भी बताया गया है कि कैसे रावण के 10 सिर उसके वध का सबसे बड़ा कारण बने थे, और यह प्रसंग अहंकार के बारे में भी बताता है। भगवान श्री राम और रावण के बीच हुआ युद्ध जब अपने आखिरी चरण में था, तब भगवान राम के लिए रावण को मारना बहुत मुश्किल हो गया था। रावण का वध उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, बल्कि मुश्किल होता जा रहा था। युद्ध के दौरान भगवान राम रावण के एक सिर को काटते थे तो कुछ ही क्षण के बाद उसका दूसरा सिर आ जाता था, और इसीलिए युद्ध के दौरान सबको यह लगने लगा कि रावण का अंत शायद संभव ही नहीं है। लेकिन इस दुविधा में भी भगवान राम एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए। भगवान राम युद्ध की पूरी अवधि में इतने स्थिर और शांत थे कि वो हर मुश्किल क्षण से सीखकर उससे सीख लेकर आगे बढ़ते रहे, जबकि रावण हर क्षण के साथ और ज्यादा अहंकारी हो जाता था।
जब युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद का वध हुआ और हनुमान जी ने मेघनाद को मृत अवस्था में लंका के द्वार तक पहुंचाया, तब भी रावण का अहंकार और घमंड कम नहीं हुआ। रावण उस बुराई के पहाड़ जैसा बन गया था जिसकी ऊंचाई हर क्षण बढ़ती ही जा रही थी और रावण अपने गुरूर में सब कुछ भूल चुका था। रावण को यही लगता था कि उसकी शक्तियों के सामने सब कुछ शून्य है और भगवान राम उस पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। माना जाता है कि रावण के जो 10 सिर थे उनमें से 6 सिर दर्शन और 4 सिर वेदों के ज्ञाता थे और रावण बहुत ज्ञानी था और वो धन के देवता कुबेर का भाई था, लेकिन अहंकार से चूर रावण के ये सिर उसके वध का सबसे बड़ा कारण बने। जब युद्ध के दौरान रावण के सिर भगवान राम को ललकार रहे थे, तब रावण के भाई विभीषण के कहने पर भगवान राम ने युद्ध में रावण की नाभि पर वार किया और रावण का वध करके उस पर विजय हासिल की। और क्योंकि रावण बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था, इसलिए उसके वध को बुराई पर अच्छाई की जीत माना गया। भगवान राम की यह विजय इसलिए भी महान थी क्योंकि रावण की तुलना में भगवान राम एक साधारण मनुष्य की तरह अपने राजपाट और सेना से दूर जंगलों में वनवास काट रहे थे, जबकि दूसरी तरफ रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे कई वरदान प्राप्त थे। लेकिन रावण से गलती यह हुई कि उसने भगवान राम की ताकत को कम करके आका, भगवान राम की ताकत को नजरअंदाज किया और वानरों की सेना को बंदरों की सेना बताकर उनका मजाक उड़ाया। और इसीलिए भगवान राम ने रावण के रूप में उसकी बुराइयों और उसके अहंकार का विनाश करके अपने शुद्ध गुणों का परिचय दिया। अब हम दिवाली के मौके पर आपको भगवान राम और सीता के विवाह से जुड़ा एक प्रसंग बताएंगे और इस प्रसंग से आप दो बड़ी बातें सीख पाएंगे। पहली बात, पति पत्नी के बीच अहंकार नहीं होना चाहिए, और दूसरा, पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है। रामचरितमानस में सीता के स्वयंवर का जो उल्लेख किया गया है उसमें एक अलौकिक और शक्तिशाली धनुष का वर्णन है जो शिवजी का धनुष था और जिसे देवताओं ने प्रसन्न होकर मिथिला के राजा देवव्रत को एक यज्ञ के बाद भेंट के रूप में दिया था। मिथिला के राजा जनक राजा देवव्रत के ही वंश से थे और सीता जी मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी जो उन्हें खेत में हल से जोती गई भूमि से प्राप्त हुई थी और इसी वजह से उनका नाम सीता रखा गया क्योंकि हल द्वारा खींची गई रेखा को सीता कहते हैं। राम कथा के अनुसार राजा जनक के पास जो अलौकिक धनुष था उसे कोई दिव्य पुरुष ही उठा सकता था जो अहंकार विद्वेष और सारी बुराइयों से परे हो। ऐसा व्यक्ति ऐसा पुरुष चाहिए था और इसीलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि सीता का विवाह किसी ऐसे दिव्य पुरुष के साथ होगा जो इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा पाएगा। और इसके लिए सीता का स्वयंवर हुआ जिसमें बड़े बड़े शक्तिशाली राजा और महान लोग शामिल होने के लिए आए, लेकिन इनमें से कोई भी इस धनुष को हिला तक नहीं पाया और इसके बाद इन राजाओं को राजा जनक के दरबार से अपमानित होकर जाना पड़ा। इस दौरान भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ राजा जनक के यहां होने वाले एक यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे और भगवान राम ने यह सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि वो इस स्वयंवर में हिस्सा लेंगे। लेकिन जब गुरु विश्वामित्र ने उन्हें यह कहा कि वो भी जाकर इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएं, तो भगवान राम ने उनकी आज्ञा का पालन किया और फिर ऐसा करने का फैसला हुआ। भगवान राम ने एक ही क्षण में बहुत ही आसानी से इस धनुष को उठा लिया और इसकी प्रत्यंचा को भी चढ़ाकर इस धनुष को दो हिस्सों में तोड़ दिया, जिसके बाद राजा जनक ने यह घोषणा की कि भगवान राम सीता के लिए ही बने हैं और सीता का विवाह उन्हीं के साथ होगा। दार्शनिक रूप से अगर समझें तो धनुष को अहंकार का प्रतीक माना जाता है और जब तक किसी के अंदर अहंकार रहता है तब तक वो किसी के साथ अपना जीवन बिता नहीं सकता। और इसीलिए भगवान राम ने इस प्रसंग से यही सीख दी कि अहंकार को तोड़कर ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए और पति पत्नी के बीच अहंकार होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा भगवान राम ने सीता से विवाह अपने माता पिता की आज्ञा से ही किया था। स्वयंवर में विजयी होने के बाद भगवान राम ने कहा कि जब तक उनके पिता राजा दशरथ और उनकी मां कौशल्या सीता से उनके विवाह के लिए अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक वो ये विवाह नहीं करेंगे। और इसके बाद ये आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में माता पिता की आज्ञा से विवाह करने की परंपरा
रामायण काल से ही चली आ रही है और भगवान राम ने भी इसी परंपरा का पालन किया था। रामायण में इस बात का भी उल्लेख है कि जब भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास पर जाना था तब उन्होंने सीता से यह कहा कि वन में राक्षस होंगे, खतरनाक जानवर और सांप होंगे, जंगल की धूप, ठंड और बारिश बहुत भयानक होगी। जंगल में रहना बहुत कठिन काम है, यह आसान काम नहीं है, इसलिए वनवास सीता के लिए उचित नहीं होगा और भगवान श्री राम चाहते थे कि इन्हीं सब कष्टों से बचने के लिए सीता अयोध्या में ही रुककर भगवान राम की प्रतीक्षा करें। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि सीता उनके साथ जंगल में 14 वर्षों तक भटकती रहे। लेकिन माता सीता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि एक स्त्री के लिए सुख वहां होता है जहां उसका पति रहता है, और इसीलिए अगर भगवान राम वनवास के लिए जंगलों में जा रहे हैं तो सीता का सुख भी उन्हीं जंगलों में होगा। और इस प्रसंग से आप सीख सकते हैं कि किसी भी रिश्ते में एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव का होना कितना आवश्यक होता है। आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि रावण में भी बड़ी मर्यादा थी, रावण बहुत चरित्रवान था, रावण बहुत ज्ञानी था, इसलिए उसने कभी सीता जी को छुआ तक नहीं। लेकिन यह सच नहीं है। रामायण के उत्तरकांड में रंभा का उल्लेख किया गया है जो स्वर्ग की अप्सरा थी, जिन्होंने स्वयं को नल कुबेर के प्रति समर्पित किया हुआ था। नल कुबेर रावण के भाई और धन के देवता कुबेर के पुत्र थे और इस रिश्ते से रंभा रावण की एक प्रकार से पुत्र वधु हुई। लेकिन एक बार जब रावण अपनी सेना के साथ स्वर्ग लोक को जीतने के लिए आया तो उसकी दृष्टि रंभा पर पड़ी और वो रंभा पर इस कदर मोहित हो गया कि उसने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। रामायण के अनुसार रावण ने यह जानते हुए भी रंभा के साथ दुष्कर्म किया कि वो उसकी पुत्र वधु है। और जब रंभा ने इस घटना के बारे में नल कुबेर को बताया तो नल कुबेर ने रावण को एक श्राप दिया जिसका उल्लेख उत्तरकांड में मिलता है। नल कुबेर ने कहा कि आज के बाद अगर रावण ने किसी स्त्री को बिना उसकी सहमति के स्पर्श किया तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और इसी श्राप की वजह से रावण सीता जी को लंका लाने के बावजूद उन्हें कभी भी छू नहीं पाया, क्योंकि वो जानता था कि उसे यह श्राप मिला हुआ है, अगर उसने सीता जी को छुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है। रामायण में इस बात का भी उल्लेख है कि रावण ने छाया रूपी सीता जी का हरण किया था, क्योंकि सीता जी के हरण से पहले भगवान राम ने उन्हें अग्नि को समर्पित कर दिया था और कहा था कि जब तक वो राक्षसों का विनाश करेंगे तब तक सीता जी अग्नि में वास करेंगी, और इसके बाद सीता जी की सिर्फ छाया ही वन में रह गई थी और उसी छाया का अपहरण करके रावण उन्हें लंका ले गया था। और बड़ी बात यह है कि यह बात भगवान श्री राम और सीता जी को ही पता थी और लक्ष्मण भी इस बात से अनजान थे और उन्हें भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रामायण में रावण से जुड़े प्रसंग यह भी बताते हैं कि परिवार से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं होता। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण ने रावण के सबसे उग्र योद्धा मकराक्ष का वध किया तब रावण की भाव भंगिमाएं बदल गई थी और रावण को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सभी बड़े राक्षस एक के बाद एक इस युद्ध में समाप्त होते जा रहे हैं। इस विलाप में रावण ने निश्चय किया कि वह अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध लड़ने के लिए भेजेगा। राम कथा के अनुसार कुंभकर्ण निद्रासन में रहता था और 6 महीने में सिर्फ एक बार अपनी नींद से जागता था, लेकिन युद्ध की विभीषिका को देखते हुए रावण ने बीच में ही कुंभकर्ण को नींद से जगाने का फैसला किया और इसके लिए कुंभकर्ण के कानों के पास विशाल नगाड़ों से शोर पैदा किया गया और अनेकों गदाओं से कुंभकर्ण की जांघों पर प्रहार किया गया ताकि कुंभकर्ण को जगाया जा सके और उसकी नींद टूट जाए। इन तमाम प्रयासों के बाद जब कुंभकर्ण ने अपनी आंखें खोली तो रावण ने उसे अपना दुख सुनाया और उसे बताया कि इस युद्ध में कुंभकर्ण के राक्षस पुत्रों ने अपनी जान गंवा दी है, वो मारे जा चुके हैं। यह सुनकर कुंभकर्ण को अपने भाई रावण पर बहुत क्रोध आया और इसके बाद कुंभकर्ण ने रावण को वो बातें कही जिसकी किसी ने शायद कल्पना नहीं की थी। अब सुनिए इन दोनों भाइयों के बीच क्या संवाद हुआ। कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि रावण, क्या तुम राम पर विजय प्राप्त कर सकते हो? तुमने जग जननी सीता जी का अपहरण करके स्वयं को कलंकित कर लिया है और इस अपराध के लिए तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। कुंभकर्ण ने यह भी कहा कि अब भी समय है,
रावण को अपने मान और अहंकार को त्याग कर भगवान श्री राम के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। और यह बात सुनकर रावण कुंभकर्ण के साथ एक इमोशनल कार्ड खेलता है और कहता है कि कुंभकर्ण, तुम तो मेरे अपने भाई हो, क्या तुम भी इस युद्ध में मेरा साथ नहीं दोगे? इस पर कुंभकर्ण भी भावुक हो गया और उसने कहा कि भगवान राम के खिलाफ रावण का युद्ध करना अनुचित है, लेकिन इस युद्ध में अपने भाई के प्राणों की रक्षा न करना उससे भी ज्यादा अनुचित होगा। इसलिए कुंभकर्ण ये जानते हुए भी अपने भाई रावण के लिए युद्ध लड़ने के लिए जाता है कि रावण गलत है और उसने सीता जी का अपहरण करके एक घोर अपराध किया है। सोचिए, उस त्रेता युग में राक्षसों को भी यह पता था कि रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता। इसके अलावा आज आपको यह भी देखना चाहिए कि रावण के अंत के बाद सीता जी को अयोध्या लौटने से पहले अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी, क्योंकि इस अग्नि परीक्षा की चर्चा अक्सर आज भी होती है। हमारे देश में आम धारणा यह है कि सीता जी ने यह अग्नि परीक्षा इसलिए दी थी क्योंकि उन्हें स्वयं को निष्कलंकित साबित करना था, लेकिन सच्चाई यह है कि इस प्रसंग का संपूर्ण सत्य वो नहीं है जो आपको बताया जा रहा है। रामायण के अनुसार रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने अंगद, विभीषण और हनुमान जी से यह आग्रह किया था कि वो आदर पूर्वक सीता जी को उनके समक्ष लाकर प्रस्तुत करें। इस निवेदन पर पहले हनुमान जी ने सीता जी को युद्ध का पूरा वृतांत सुनाया और इसके बाद अंगद और विभीषण ने सीता जी से कहा कि उन्हें एक पालकी में बैठकर उनके साथ चलना होगा। अंगद और विभीषण ये भी चाहते थे कि भगवान राम से मिलने के लिए सीता जी रेशमी वस्त्रों के साथ सुंदर आभूषणों को भी धारण करें। इस आग्रह के बाद ही सीता जी को पालकी में भगवान राम के समक्ष लाया गया और इसी के बाद भगवान राम ने उन्हें ये कहते हुए एक स्थान पर रोक दिया कि उन्हें उनके निकट आने से पहले अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। ये बात सुनकर लक्ष्मण, अंगद, विभीषण, हनुमान जी और वानरों की पूरी सेना विचलित हो गई और उन्हें यह लगा कि क्या अब सीता जी को भी अपनी पवित्रता इस अग्नि परीक्षा के जरिए साबित करनी होगी। इस दुख और विलाप में वानरों ने अग्नि परीक्षा के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की और सबको यही लगा कि सीता जी को इस अग्नि में प्रवेश करके स्वयं की पवित्रता और सद्गुणों को साबित करना होगा। लेकिन रामायण के अनुसार भगवान राम और सीता जी इस बात को जानते थे कि अग्नि परीक्षा तो सिर्फ संसार को दिखाने के लिए है, असल में इसका असली उद्देश्य कुछ और है। सीता हरण से पहले जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी दंडक वन में थे, तब भगवान राम ने सीता रूपी शक्ति को अग्नि में प्रतिष्ठित कर दिया था और इसका मतलब यह था कि सीता जी की देह तो लंका में रावण की कैद में है, लेकिन उनकी शक्ति और उनका तत्व अग्नि में सुरक्षित थे। अग्नि में प्रतिष्ठित उस शक्ति स्वरूप के साथ सीता जी वास्तविक रूप में भी प्रकट हो सके, इसलिए भगवान राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, जिसके लिए सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और इसके बाद अग्निदेव ने वास्तविक सीता जी को भगवान श्री राम के चरणों में भेंट कर दिया और इस तरह सीता जी ने संसार को दिखाने के लिए स्वयं को निष्कलंकित भी साबित कर दिया और भगवान राम ने अग्नि में प्रतिष्ठित सीता जी को भी वास्तविक रूप में फिर से पा लिया। आज दिवाली के मौके पर आप भगवान श्री राम के जीवन से 5 बातें सीखकर अपने जीवन को बदल सकते हैं और इसे नई दिशा दे सकते हैं। पहली सीख है, अपने परिवार को सदा महत्व दीजिए। राज्याभिषेक से पहले भगवान श्री राम को जब उनके पिता राजा दशरथ ने यह बताया कि उन्हें 14 वर्षों के वनवास पर जाना होगा और वन में रहकर अपना जीवन बिताना होगा, तो भगवान राम अपने पिता के इस निर्देश से जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने सहर्ष इस निर्देश को स्वीकार करते हुए यह बताया कि पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म होता है किसी भी पुत्र के लिए और अपने परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। दूसरी सीख है, मर्यादाओं को कभी मत भूलिए। जब रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने के लिए भेजा और उस समय रावण ने कहा कि वो इतनी विशाल सेना होते हुए भी सिर्फ इसलिए भगवान श्री राम से युद्ध में हार गया क्योंकि उसने मर्यादाओं का मान नहीं रखा और वो चरित्रहीन हो गया था, जबकि श्री राम और उनकी सेना इस युद्ध को इसलिए जीत पाए क्योंकि वो चरित्रवान थे। तीसरी सीख, अपनों का साथ। जब रावण मृत्यु से पहले लक्ष्मण को ज्ञान दे रहा था, तब उसने कहा कि वो इसलिए हार गया क्योंकि इस युद्ध में
उसके अपने ही उसके साथ नहीं थे और उसके भाई विभीषण ने उसे छोड़कर श्री राम का साथ दिया, लेकिन लक्ष्मण पल पल हमेशा राम के साथ रहे। इतनी बड़ी वानर सेना राम के साथ रही और इसलिए रावण इतनी विशाल सेना होते हुए भी ये युद्ध हार गया। चौथी सीख है, कई बार आक्रामकता और क्रोध भी जरूरी होता है, जिसके लिए रामचरितमानस में कहा गया भय बिन प्रीत न हुई। लंका पर आक्रमण के समय श्री राम ने बहुत आदर के साथ समुद्र से मार्ग देने को कहा। 3 दिन बीत गए, लेकिन जब समुद्र पर इस विनम्रता पूर्वक आग्रह का कोई असर नहीं हुआ, तब श्री राम समझ गए कि अपनी शक्ति से समुद्र के अंदर भय उत्पन्न करना अनिवार्य है और यही मंत्र व्यावहारिक जीवन में आज भी लागू होता है। और 5वीं सीख यह है कि जीवन में स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं। रावण से भगवान श्री राम की लड़ाई राजपाट की लड़ाई नहीं थी, धन की लड़ाई नहीं थी, जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये स्वाभिमान की लड़ाई थी। रावण ने सीता जी का हरण किया था और यह सीधे तौर पर श्री राम के स्वाभिमान पर चोट थी। तो स्वाभिमान की लड़ाई कहां तक जा सकती है, यह भी आज हमें समझना चाहिए। और जब आप ये सारी बातें श्री राम के जीवन से सीख लेंगे, तो आप खुद को नई चुनौतियों के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। और ये जो बातें हैं जो हमने आज आपको बताई हैं, ये आज के आपके जीवन में भी, इस कलयुग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। क्योंकि अगर आपके साथ आपका परिवार होगा, अगर आप चरित्रवान होंगे, अगर आप स्वाभिमानी होंगे, तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो गुण हैं, ये आपको ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे जो शक्ति और किसी के पास नहीं होगी। आपके प्रतिद्वंदियों के पास ये शक्ति नहीं होगी जो आपके पास है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आप सबको एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और राम भक्ति की इस जगमगाहट के बीच अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर की रसोई में बने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद आज जरूर लीजिए। जय श्री राम।